नया रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार थोड़ा सुस्ताता दिख रहा है, लेकिन तमाम चिंताओं के बावजूद बाजार उम्मीदों से सरोबार है। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर में भारी लिक्विडिटी से मार्केट्स को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। अब बजट को लेकर भी गहमा गहमी शुरू हो गई है, जिससे बाजार को एक और नया ट्रिगर मिलेगा, जिससे बाजार में कमाई के ढेरों मौके मिलेंगे। ऐसे में हम हफ्ता वसूली में उन शेयरों की बात करेंगे जिनमें टेक्निकल चार्ट्स पर दमदार मूवमेंट बन रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आज बताएंगे पूरे हफ्ते के लिए किन शेयरों में ट्रेड लिया जा सकता है। अच्छा, आप लोग बेसिक आइडिया तो पता है हफ्ता वसूली का। हफ्ते की शुरुआत में देश के जाने माने एक्सपर्ट्स होते हैं, मदद करते हैं हम लोगों की, है ना, कॉल्स देते हैं बढ़िया बढ़िया सी और समझाते भी हैं वो कॉल्स क्यों दे रहे हैं वो लोग। तीन गेस्ट होते थे पर पिछले हफ्ते से दो गेस्ट करने शुरू करें, नहीं तो उनकी पूरी कॉल्स हो नहीं पाती थी, डिटेल में चर्चा हो नहीं पाती थी। तो आज के जो दो एक्सपर्ट्स हैं वो एंजल ब्रोकिंग के समीर चव्हाण साहब, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्ट साहब, दोनों का स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले, जब भारतीय बाजार एक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा तो थोड़ा सा लड़खड़ा के हमने इस नए हफ्ते की शुरुआत करी है, तो स्क्रीन पे आपको 40-50 पॉइंट निफ्टी इस समय नीचे 1.5% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन सेशन वोलेटाइल है। तो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट करता था गैप डाउन होगा, गैप डाउन हुआ, उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी आई, तो भारतीय बाजार एक समय 85 पॉइंट नीचे थे, फिर आपने वो हायर टिक्स देखे तब 17 पॉइंट ऊपर चले गए थे, अब वापस हम दबाव दिखा रहे हैं। तो वोलेटाइल है, डिफाइंड मार्कर्स हैं जिसके बीच इस समय हम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ वीकनेस स्क्रीन पर है और वीकनेस के पीछे बड़ी वजह है निफ्टी बैंक, जो इस समय मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है। 1.25% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसमें फाइनेंशियल जोड़ लीजिए, एचडीएफसी जैसे, इन सब में दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। वो तो आज रिलायंस, वो तो आज इंफोसिस मदद कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज प्रेशर थोड़ा सा और माउंट होता है क्योंकि फाइनेंशियल्स में बाकी अच्छा खासा दबाव है। ऐसे में गौरव, पहले आपके पास ये अब तक का टेम्पलेट, इवन पिछले हफ्ते का भी, जब भी हिम्मत करी गिरावट में खरीदारी करी बाजार ने मुझे ड्यूली रिवॉर्ड करा है, ये टेम्पलेट अभी भी वही है क्या? कमजोरी में घुसू बाजार में या कुछ बदल रहा है? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप टेम्परेट की बात की जाए या ओवरऑल कैसा सेंटिमेंट है या कैसे टेक्निकल शेयरअप कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नीचे में सपोर्ट्स काफी अच्छे हैं। मैं अभी बैंक निफ्टी के आवली चार्ट से देख रहा था, अगर आप उसके स्पॉट में आवली या फ्यूचर्स में रहा आप आवली चार्ट देखेंगे तो परफेक्ट राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस एक्शन की सबसे अच्छी डिमांड 30,200 के आसपास में है। अब बात यह है कि जो बाजार है वो स्टक हो चुके हैं रेंज में। आप पिछले दो या तीन दिन का आवली चार्ट देख लीजिए, आपको दिखने मिलेगा कि काफी टाइट रेंज में है, मल्टीपल टाइम्स 30,850 से 30,900 ये लेवल्स पर आके अटका है बैंक निफ्टी, और नीचे करेक्शन देखने मिला है, और 30,200-30,300 के आसपास एक अच्छा बेस बंडल देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइंस का ही होगा, अगर कोई डिप अगर देखने मिलती है 30,200 या 250 के आसपास तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, ऊपर में 30,800 ये लेवल्स होंगे। रही बात निफ्टी की, तो अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 13,580 स्पॉट साइड में एक अच्छा हर्डल था, तीन अटेम्प्ट हमने किए फेल हुए, फिर हमने एक ब्रेकआउट देखने मिला, गैपअप हुआ, सस्टेन हुआ, और वहां से हमको 200 पॉइंट की अपसाइड देखने मिली। अब वहां पे भी अगर रिटेस्ट अगर होता है 13,600 के आसपास तो वो भी एक अच्छी पैटर्न होगी, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम आने के बाद में रिटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे फिलहाल पैनिक सिचुएशन नहीं देखने मिल रही है, लेकिन हाँ अगर आप कहेंगे ऊपर के लेवल से 100 पॉइंट करेक्शन हो गया तो वो जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब हमने 1,200-1,500 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिला है 10 दिन के अंदर, तो वहां पे 100 पॉइंट एक छोटा सा करेक्टिव भी आप बोल सकते हो। तो मेरे सबसे बाजार का रुझान जो है वो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइंस का ही है, लेकिन कोई भी लेवल पे आप बाय करो वो मार्केट अब रहा नहीं है, आपको स्पेसिफिक लेवल्स के लिए प्ले करना होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो गैप अप को चेज नहीं करना, मार्केट्स को चेज नहीं करना, जब बाजार कंसोलिडेट कर रहा हो, जब बाजार में वीकनेस हो तो वह एंट्री पॉइंट्स बेहतर है आपके लिए, आपको अपनी एंट्री को स्मार्टली टाइम करना है। अच्छा गौरव के तो चारों बाय कॉल्स है, लेकिन गौरव पहला स्टॉक कौन सा? पहला जो रिकमेंडेशन हो गया, पहला जो स्टॉक है वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का। इसमें अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक ब्यूटीफुल राइजिंग चैनल आपको देखने मिलेगा, सिर्फ यही चीज इसके अंदर नहीं है। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसके एक पेक्युलर पैटर्न है, जहां पे एक अपसाइड आती है, फिर एक कंसोलिडेशन इसमें देखने मिलता है, फिर आप इस ब्रेकआउट और अपसाइड देखने मिलती है। तो ये कंटिन्यूशन है, राइजिंग चैनल कंटिन्यूशन होता है। उसके बाद में जो मैं आपसे कह रहा हूँ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और फिर कंसोलिडेशन, वो भी एक अच्छा खासा कंटिन्यूशन पैटर्न, जहां पे अगर ओवरसोल्ड ओवरबॉट में चला गया तो थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा, फिर एक्युमुलेशन होता है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये काफी अच्छा सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है,
और इसमें आप 770 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 900 रुपए के लिए। अगर किसी का हराइजन हो सकता है कि 3 या 4 6 महीने के लिए हो तो भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो है ये अपने राइजिंग चैनल का जो लोअर बैंड है सपोर्ट है उसके नजदीक ही है, तो यहाँ से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, मे बी 30-40%, लेकिन 10% देखने मिल सकता है। लेकिन अगर किसी का हराइजन है कि मैं और होल्ड कर सकता हूँ तो उसके लिए भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हफ्ता वसूली के लिए भी अच्छा है, और अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो भी अट्रैक्टिव नजर आता है। तो इस स्टॉक में खरीदारी और 900 तक के लेवल्स अगले 1 से 2 हफ्ते में, ये 1 से 2 हफ्ते वाले टारगेट्स हो गए। अच्छा, मैं अज्यूमिंग आप लोग अपने सबसे प्रिफर्ड पिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो इनकेस समय का कॉन्स्टेंट हो तो मुझे अच्छे अच्छी पिक्स तो आप लोगों से मिल जाएगी। गौरव, अगला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मेरे पास है वो है बिरला सॉफ्ट, जहां पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन आपको देखने मिला था पिछले कुछ दिनों के अंदर, आज गैप अप हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो चार्ट में आपको देखने मिलेगा जो ब्लू बैंड्स है, बेसिकली प्राइस एक्शन है जहां पे आपको दिखा रहा है कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। इचिमोकू अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कंटिन्यूशन पैटर्न जो रहती है वो हमेशा बेहतर होता है, स्टॉप लॉसेस भी आपके छोटे होते हैं, 10 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 232 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, वो अगर होल्ड हुआ तो शायद और अपसाइड आपको देखने मिल जाए। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है स्टॉक में काफी अच्छी है। अगर आप वीकली चार्ट अगर देखते हैं तो एक प्रीवियस ATH को तोड़ के ऊपर गया है, उसको सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन लेवल फिर वापस ऊपर गया है, तो ये काफी अच्छी एक पैटर्न होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ओके, बिरला सॉफ्ट आज भी ये स्टॉक फोकस में मेरे ख्याल से नए उच्चतम स्तरों पे खड़ा हुआ है, और गौरव कह रहे हैं यहां से और उछाल देखने को मिलेगा 232 तक के टारगेट्स, ये इचुमोकू सेटअप बता रहा है। और गौरव, आजकल इचुमोकू से ना मेरे बच्चे एक गाना सुन रहे हैं आजकल, शायद वो कोरियन गाना है, इची इची माऊ माऊ माऊ, अब इसके अलावा मुझे लाइनें समझ में नहीं आती, उसमें कोरियन गाना है, लेकिन पता नहीं इचिमोकू जैसे आपने बोला वही गाना मेरे जहन में घूमने लगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर एक्सपोर्ट्स के और भी बेहतरीन पिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। के बाद आपका स्वागत है, और बर्गर किंग पे लग गया है वापस 10% का पर सर्किट आपकी स्क्रीन पर, तो दिन के लो से 19% का स्विंग आता हुआ। लेकिन चलिए हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं स्टॉक्स की, और गौरव दो स्टॉक्स हो गए, अब सबसे प्रेफर्ड तीसरा बेट कौन सा? तीसरा अगर स्टॉक देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि एक माइंड्री में अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट हो रहा है, चाहे आप आवली चार्ट देख लीजिए, चार्ट वाली देखिए या डेली में देखिए, इसमें इचिमोकू पैटर्न सेटअप भी काफी अच्छा है। ओवरऑल अगर आईटी स्पेस देखोगे तो आईटी स्पेस में आईटी इंडेक्स में छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, तो उससे आप देख रहे हो कि आज इन्फी टीसीएस माइंड्री सारे पॉजिटिव नोट पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ से 1575 तक के लिए आपको देखने मिल सकते हैं, 1430 का स्टॉप लॉस होगा, ये वीक के लिए काफी अच्छा है, इसमें रिटर्न देखने मिल सकते हैं। ठीक है, यूके के यूरोप को लेकर वो कोविड के नए स्ट्रेन को लेकर कंसर्न्स, उसके बीच देखिए आप आईटी में आउट परफॉर्मेंस, सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला इंडेक्स यही है, इसमें माइंडट्री और बिरला सॉफ्ट गौरव ने चुना, और उसके बाद क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, सब में खरीदारी करने के कॉल्स। इस नोट पर आज के हफ्ता वसूली में इतना ही, क्विकली यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र आपके।